हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.2 से क्वेश्चन नंबर 13 तक हम सॉल्व किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। सी वाज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 100, 50, 10 रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। लक्ष्मी एक कैशियर है, उसके पास 100 रुपीज नोट, 50 और 10 रुपीज नोट जो है उनका रेशियो फॉर्म में दिया गया है 2:3:5। मतलब डायरेक्टली आप किसी के कौन सा नोट कितना अमाउंट है वो आप नहीं बोल सकते। तो लेट कर लेते हैं, जिस जो नंबर हमको नहीं पता, जिसके बारे में हम नहीं पता, हम उसको लेट करते हैं। तो लेट करते हैं और टोटल अमाउंट हमारे उसके पास है 4 लाख। मतलब ये 100, 50, 10 रुपीज मिला के जो अमाउंट बचेगा ना, मतलब होगा वो 4 लाख उसके पास है। तो वो पूछा है कि कौन सा नोट कितने नंबर है। ओके, तो लेट द नंबर ऑफ, ये हमको गिवेन है नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू कितना, 2x, क्योंकि 2 हमारा पहले है। मैंने आपको पहले भी बोली थी कि जो नंबर पहले आएगा और उसके रेशियो फॉर्म में दिया गया जाएगा रेस्पेक्टिवली, ये जो नंबर है 100, 50, 10, मतलब फर्स्ट 100, उसके बाद 50, उसके बाद 10। तो आप 2:3:5 उसी हिसाब से आपको नंबर लगाना है। आप 50 के लिए 5 और 100 के लिए 3 ऐसे नहीं ले सकते, सीरियल वाइज आपको लेना है नंबर काउंट में। ओके, तो 100 ने 2x ले लिए। नेक्स्ट रुपीज 50 नोट्स, 3x, रुपीज 10 नोट्स, 5x हो गया। और ये जो x लिए है ना हमने, तो ये x हमको हम वेरिएबल लगा है, क्योंकि x का वैल्यू हम निकालेंगे उसके बाद हमको पता चलेगा कितने नंबर नोट्स हमको है। उसके बाद हमको क्या करना है, देखो 100 नोट्स है 2x, तो अमाउंट ऑफ 100 नोट्स कितना वेरिएबल के हिसाब से 100 × 2x होगा कि नहीं, तो लिख देंगे अमाउंट ऑफ 100 नोट्स, अमाउंट ऑफ 100 नोट्स, मतलब टोटल काउंट करें, आपके पास 4 नोट 100 रुपीज का है, तो अमाउंट कितना है 4 × 100, मतलब 4 नोट मतलब 4 और 100 का नोट है 4, तो 100 × 4 आप मल्टीप्लाई करते हो कि नहीं, सेम टू सेम हमारा अमाउंट ऑफ 100 नोट 100 × 2x ये वेरिएबल फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने x का वैल्यू नहीं निकाले हैं। तो ये हो गया हमारा 200x, सेम टू सेम अमाउंट ऑफ 50 नोट्स, तो 50 × कितना होगा 3x, 150x, अमाउंट ऑफ 10 नोट्स इज इक्वल टू 10 × 5x, तो 50x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द टोटल कैश, ये हमारा कैश हो गया 200x, 150x, 50x, तो टोटल कैश लक्ष्मी के पास जो है ना वो 4 लाख रुपीज है। तो ये तीनों को हम मिला के 4 लाख रुपीज, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा जिसमें से हम x का वेरिएबल, जो वेरिएबल लिए है ना x, वो निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, टू हंड्रेड एक्स प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख है कि नहीं, बन गया इक्वेशन इक्वल है और ये वेरिएबल के साथ है, तो हम x निकाल सकते हैं इजीली, तो अमाउंट भी हमारा निकल जाएगा। इसको एडिशन कर देते हैं, 200 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा 400x
इजिकल टू 4 लाख, एक्स इजिकल टू ये जो मल्टीप्लाई होके है यहां पर डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से करना, 4 2, करेक्ट, नहीं तो गलत हो जाएगा, 1 जीरो कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट 400 हम ये जो लेफ्ट साइड से राइट साइड को ले आए, जो वो डिवीजन में आ जाएगा। इसको हम ये कर देते हैं, ये हो गया 1000। ओके, एक हमारा 1000 आ गया। तो अभी हम निकाल सकते हैं कितने अमाउंट ऑफ नोट्स हैं, कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ नाउ, नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, सॉरी पूछा है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, मतलब 100 रुपीज कितने नोट हैं, 50 कितने हैं और 10 कितना है। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स हमारा कितने हम लिए थे, 2x, जो कि 2 into 1000 नंबर, 2000 रुपीज नहीं, 2000 नंबर ऑफ 100 नोट्स। ठीक है, नंबर ऑफ 100 नोट्स का मतलब 2000 नंबर। जैसे मैंने आपको 4 नोट दिया है ना, 4 वो नंबर है, पर रुपीज कितना, 100। सेम टू सेम 2000 नंबर ऑफ नोट्स 100 रुपीज का। ओके, नंबर ऑफ 50 सेम टू सेम, जो कि कितना, 3x, 3 into 1000, जो कि 3000 नंबर ऑफ 50 नोट्स है। और नेक्स्ट नंबर ऑफ 10 रुपीज, नंबर ऑफ 10 कितना होगा, 5x, जो कि 5 into 1000, 5000, करेक्ट। तो कितना हो गया, 200 नंबर ऑफ नोट्स 100 का, और ये 3000 है 50 का, 5000 है 10 का। वही तो हमको पूछा था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नोट्स, हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव ए टोटल ऑफ रुपीज 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 1, 2 and 5। The number of 2 coins is 3 times the number of 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? मैं यहाँ पर पहले आपको समझा देती हूँ क्या क्या गिवन हमको है। टोटल रुपीज हमको कितना है, टोटल नंबर ऑफ रुपीज 300 रुपीज है। ठीक है, मेरे पास 300 रुपीज है, कौन से फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी। ठीक है, कॉइन फॉर्म में है 300 रुपीज टोटल। तो नेक्स्ट बोला है द नंबर ऑफ 2 कॉइन, ये जो 2 कॉइन है ये 3 गुना ज्यादा है 5 कॉइन से। तो 5 कॉइन को अगर हम x लेंगे, 2 कॉइन कितना होगा, 3x हो जाएगा, वही तो क्वेश्चन बोल रहा है। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, ये जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स होगा ना, 160 नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स, ये टोटल रुपीज है, टोटल नंबर ऑफ रुपीज 300 है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स नॉट रुपीज, ठीक है, तो 160 है। तो ये जो होगा, ये 3x प्लस x, 160 से अगर हम माइनस कर देंगे, 160 माइनस 3x और माइनस x कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, 1 रुपीज कितना है, 160 टोटल है, इसको हमने x लिए, ये 3x हो गया, तो अभी आ गया, ये फाइनली हमारा कितना हो जाएगा, 160 माइनस 4x हो जाएगा कि नहीं,
ओके तो 1 रुपी कितना, 2 रुपी कितना, 5 रुपी कितना, वेरिएबल फॉर्म में हमको मिल गया। अभी हम वेरिएबल के साथ इसको इक्वल करते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है उसका अमाउंट अभी हम निकालना होगा, वही अमाउंट को हम ये 300 के साथ हम इक्वल करेंगे, है कि नहीं। तो अमाउंट ऑफ 1 रुपी, अमाउंट ऑफ, ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन है, ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉइन है, और अमाउंट ऑफ कॉइन, अमाउंट ऑफ 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 1 × 160 − 4x, जो कि 160 − 4x ही रहेगा, होगा कि नहीं। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ 2 कॉइन, वो कितना 3x है, 3x रहेगा, और अमाउंट ऑफ 5x, क्योंकि हमने इसको x लिया है, इसको ब्रैकेट में रख दूंगी तो आपको इजी हो जाएगा, 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सॉरी ये 2 × 3x होगा, क्योंकि 2 रुपीज कॉइन 3x, उसको कितने नंबर, अमाउंट टोटल कितना, ये तो नंबर हो गया, और इसके साथ 2 रुपी मिलाएंगे तो जाके ये हमारा 6x आ गया, ये 5x। अभी इसके साथ हम इक्वल करेंगे 300 रुपीज के साथ। नाउ एज फॉर क्वेश्चन, एज फॉर क्वेश्चन 1 रुपी के लिए 160 − 4x लिखेंगे, प्लस 2 रुपी के लिए 6x लिखेंगे, नेक्स्ट 5 रुपीज के लिए 5x लिखेंगे, ठीक है। तो अभी और इक्वल 300, ये हमारा सारा अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ठीक है। नंबर और अमाउंट में आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाई हूँ। 300 रुपीज से ये सब अमाउंट, सॉरी नंबर है, रुपीज 1 है, 300 रुपीज में 1 रुपी है, 2 रुपी है, 5 रुपी है, तो 5 रुपीज को हमने x लिया, और 2 रुपीज उसका 3 गुना ज्यादा है, 1 रुपी का नहीं पता था, तो इसी में से हम 100 नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल जो नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, जैसे आपको मैंने चार नोट दिया तो 4 हो गया नंबर, ओके, पर 100 है रुपीज, तो टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज आपके पास कितना होगा, 400 रुपीज, सेम टू सेम 160 यहाँ पर नंबर है, तो ये सारे 100 रुपीज जैसे मैंने आपको दिया, वैसे ये अगर आप इसको 100 लोगे, 50 लोगे, 10 लोगे, सेम टू सेम 125, बस इतना ही आपको समझना है। नेक्स्ट इक्वेट करेंगे 160 − 4x, 6x, 5x, 6 और 5 प्लस साइन में है तो 11x हो गया, 11 हमारा ज्यादा है 4 से, और माइनस साइन है इसीलिए हम माइनस करेंगे 11 से, जो कि 7x हो जाएगा, तो लिख देंगे 160 − 7x, सॉरी प्लस 7x, क्योंकि प्लस साइन, ये जो 11x है ना, तो इसमें से 11x का साइन ही जाएगा, ठीक है, पर माइनस होगा 300, 7x को रखेंगे, 160 कांस्टेंट है, तो 300 − 160 वो राइट साइड को जाएगा, तो नेगेटिव होके जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो x 300 160 जाएगा, तो 140, और ये 7 हम यहाँ पर ले आएंगे, मल्टीप्लाई होके था तो यहाँ राइट को आएगा, तो डिवीजन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20, अभी x हमारा 20 आ गया, ओके। तो x क्या हम ले लिए थे, 5 कॉइन को हम x लिए थे, करेक्ट, तो पहले हम एक एक करके लिख देंगे, नंबर 1, नंबर ऑफ 1 कॉइन, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, मतलब 1 रुपी कॉइन कितना नंबर पे है, तो वही हम कर रहे हैं 160 − 4x,
जो कि 160 माइनस 4 इंटू 20 होगा कि नहीं, 160 माइनस 80, 80 नंबर, 1 रुपी हमारा 80 नंबर है, ओके, 80 रुपीज नहीं, 80 नंबर है, देन नंबर ऑफ टू कॉइन, टू कितना हम लिए थे, 2 को 3x, 3x लिए थे, तो 3 इंटू 20, अमाउंट जब निकाले थे 2 इंटू 3x किए थे जो कि 6x हुआ, ओके, पर यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन हमको चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉइन हम, मैं यहाँ पर फर्स्ट आपको समझाई थी, जैसे ऊपर जो नंबर हम लेट लिए थे 5 को x लिए थे और उसका 3 गुना ज्यादा 2 है, वही आपको लिखना है 3x, तो 3 इंटू 20 जो कि 60 नंबर ऑफ, 2 नंबर ऑफ कॉइन, मतलब 2 नंबर का 60 कॉइन है, ओके, तो नंबर ऑफ 5 कॉइन जो कि हमने क्या लिए थे, x लिए थे, ठीक है, 5x नहीं, x लिए थे, नंबर ऑफ कॉइन x लिए थे जो कि 20, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन वो क्वेश्चन में पूछ, मतलब पहले से बोल दिया था, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, आप इसको मिला सकते हो 80, 60 एंड 20, तो टोटल हमारा कितना हो रहा है, 160 नंबर ऑफ कॉइन हो रहा है, ओके, अगर आपको डाउट है तो आप क्या करोगे, ये नंबर ऑफ कॉइन्स, ये जो 300 रुपीस हो रहा है कि नहीं, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके निकाल भी सकते हो, जो कि हमारा ये फाइनल आंसर, पर हमको क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, हमने निकाल दिए 80, 60, 20, 1 कॉइन 80 है, 2 कॉइन 60 है, 5 कॉइन 20 है, ओके, नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।